जिंदगी की एक दौड़ खत्म हो गई, एक दौर खत्म हो गया। अब शाहरुख खान 40 साल के बाद क्या कर रहा है, सोच रहे होंगे कि क्या करना है, या अभी भी लड़कियों के आगे पीछे भागना। तो शरीर भी आपको लगता है कि कैचअप करेगा, आपके साथ धोखा दे जाएगा। तो आप अलविदा फिल्म इंडस्ट्री को नहीं कहने वाले? मैं देख रहा हूँ जब से प्रोग्राम शुरू हुआ, यही कोशिश कर रहे हो कि अब आप क्या करेंगे। आप कहना चाहते हैं मैं रिटायर हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ टीवी शोज पर सुपरस्टार्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन दौरान इंटरव्यू होस्ट की तरफ से कुछ ऐसे सवालात किए जाते हैं या होस्ट कुछ ऐसे कमेंट्स पास करता है जिसकी वजह से ना सिर्फ इन फनकारों की बेइज्जती होती है बल्कि इनकी काफ़ी दिल आजारी भी होती है। दोस्तों, फनकारों के काम या इनकी पर्सनल लाइफ से बहुत से लोगों को इख्तलाफात होते होंगे, लेकिन किसी को यह हक हासिल नहीं कि स्पेशल अपने शो में इन लोगों को मेहमान के तौर पर इनवाइट करके इनको अपने प्रोग्राम में इज्जत देने की बजाय इनकी तजलील करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही वाकयात बताऊंगा जिनमें होस्ट ने अपने मेहमान को बहुत इंसल्ट किया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन आप दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे नासिर खान जान की। दोस्तों, नासिर खान जान एक सोशल मीडिया स्टार हैं और इनका कंटेंट तो वैसे ही ऊट पटांग और काफी हद तक वल्गर होता है और इनके हेटर्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लोग तब इनकी फेवर में बहुत ज्यादा बोलने लगे जब समा न्यूज के एक शो पर इनको एज अ गेस्ट बुलाया गया और होस्ट की तरफ से इनको काफी इंसल्टिंग रिमार्क्स दिए गए। होस्ट शायद ये चाह रहे थे कि मैं इनको जलील करके पब्लिक हीरो बन जाऊंगा, लेकिन इनको इसके बाद काफी हेट मिला और जो लोग नासिर खान जान के खिलाफ भी थे वो भी बोल पड़े कि आप इनको पसंद नहीं करते तो अपने शो में इनवाइट करने की क्या जरूरत थी और आपका मकसद इनकी इंसल्ट करके सस्ती रेटिंग हासिल करना था। क्या है कि बहुत ज्यादा अपर्स हो रही है ना मुख्तलिफ मीडिया के हवाले से। नासिर, मेरे ब्रेन को हार्ट अटैक आ जाना है। वो तो लानते देते हैं आपको, I'm sorry to say, गालियां देते हैं आपको, वो तो बैश करते हैं आपको, वो तो कोई पसंद नहीं करते आपको। आर यू अ डॉक्टर? आर यू अ स्किन स्पेशलिस्ट? अब मैंने जिम किया है, मैंने मेहनत किया हुआ है, मैं वॉशरूम में जाके कोने लपेट के वीडियो बनाऊंगा भी नहीं। एक नॉर्मल इंसान ये बनाएगा भी नहीं, एक सेंसिबल इंसान ये करेगा भी नहीं। मर्द के लिए बॉडी दिखाना आई थिंक ये कोई बुरी बात नहीं है। That's what you think. अब हम बात करेंगे ताहिर शाह की। दोस्तों, आई टू आई और एंजल जैसे गाने गाकर ताहिर शाह रातों रात मशहूर हो गए। अब वो गाने थे तो बहुत ही अजीब और बेसुरे और काफी लोगों ने इन पर तनकीद भी की और मीम्स भी बनाई, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने तो हद ही कर दी। इन्होंने ताहिर शाह को अपने शो में बुलाया और 2 घंटे के लाइव शो के दौरान डॉक्टर आमिर लियाकत ने इनका मजाक उड़ाते उड़ाते हद कर दी। कभी इनकी आवाज का, कभी इनके गानों का और कभी इनके बालों का, और यहां तक कि इनको तंग करने के लिए एक बहुत बड़ा सांप भी जबरदस्ती इनके गले में डाल दिया। आपको किसने कहा था आप गाना गाएं? बाल आपके असली हैं या लगवाए हैं आपने? ये बाल देखें, इनके बाल, इन बालों पे किसी दिन कोई जिन आशिक हो जाएगा। इस गाने को सिर्फ सांप ने समझा है। नेक्स्ट है शाहरुख खान। दोस्तों, शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह और किंग ऑफ खान भी कहा जाता है। जहां एक तरफ इनके लाखों फैंस हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके काफी हेटर्स भी हैं और लोग इनकी कामयाबी से जेलस भी बहुत होते हैं। इनमें से एक है सीनियर जर्नलिस्ट प्रभु चावला। शाहरुख खान की फिल्म डॉन की रिलीजिंग के दौरान इनको प्रभु चावला ने इनको अपने शो पर बुलाया और इंटरव्यू में वो एक ही बात किए जा रहे थे कि आप रिटायर कब होंगे, बस अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपका शरीर भी अब जवाब दे गया है, आप लोग भी आपको देख देख कर बोर हो गए हैं। यहाँ तक के शाहरुख खान ने खुद भी तंग आकर कह दिया कि इस इंटरव्यू का मकसद यही लग रहा है कि मैं बस रिटायर हो जाऊं। जिंदगी की एक दौड़ खत्म हो गई, एक दौर खत्म हो गया। अब शाहरुख खान 40 साल के बाद क्या कर रहा है, सोच रहे होंगे कि क्या करना है, या अभी भी लड़कियों के आगे पीछे भागना। अब कुछ रहा नहीं था, कुछ तो लगता नहीं है आपके शरीर का जितना आपने दुरुपयोग किया
यानी कि डांस भी किया, दौड़ धूप की, तो शरीर भी आपको लगता है कि कैचअप करेगा आपके साथ, धोखा दे जाएगा। तो अभी तो आपका यह है कि अभी आप अलविदा फिल्म इंडस्ट्री को नहीं कहने वाले। मैं देख रहा हूँ जब से प्रोग्राम शुरू हुआ, अभी कोशिश कर रहे हो कि अब आप क्या करेंगे, आप कहना चाहते हैं मैं रिटायर हो जाऊंगा। नेक्स्ट है मोहम्मद आमिर। दोस्तों जिन दिनों मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद आमिर पर मैच फिक्सिंग का केस चल रहा था और मोहम्मद आमिर को कुछ अरसा जेल में भी गुजारना पड़ा, तो जब इनकी सजा खत्म हुई तो नादिया खान ने अपने मॉर्निंग शो पर इनको इनवाइट किया, लेकिन इनको बातों बातों में काफी जलील करती रही, यहां तक कि इनको जेल जाने का ताना भी दे दिया और पूरे शो के दौरान क्रिकेटर्स को बुरा भला कहती रही। अभी पीएसएल शुरू हुई है, आपको साल दो साल में रिजल्ट्स नजर आएंगे। पक्की बात कर रहा है बाबा जी वाली। बाबा जी बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, इसने बड़ी पक्की बात कर रहा है, माशाल्लाह समझदार हो गया। इंग्लैंड में समझदारी हुई है, बच्चा जेल में या इधर? मैं तो कहती हूँ तुम सीख जाओ, सारे क्रिकेटर्स सीख जाए, बहुत जरूरी है। हमारे जो ये क्रिकेटर्स जब एड्स करते हैं इतनी बुरी एक्टिंग करते बहुत डेड एक्टिंग होती है। नेक्स्ट साहिल लोधी। दोस्तों साहिल लोधी अपने आप को खुद पाकिस्तान का शाहरुख खान कहते हैं और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपने रवैये के जरिए अक्सर अपनी असलियत दिखा देते हैं। एक मर्तबा वो अपने शो पर रमजानुल मुबारक के दौरान एक तकरीरी मुकाबला करवा रहे थे और एक लड़की स्पीच कर रही थी। इस स्पीच में वो पाकिस्तान में औरतों पर होने वाली ज्यादतियां और मुजालिम बयान कर रही थी और कह रही थी कि कायद आजम आकर देखें कि आपके पाकिस्तान का क्या हाल है। तो न जाने साहिर साहब को एकदम क्या हो गया कि वो इस लड़की पर बरस पड़े कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि कायद आजम को बुरा भला कहो, और काफी देर बिला वजह का जोश दिखाते रहे, इस लड़की को जलील करते रहे। क्या इन्होंने सही किया, ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। या अपने घर की कफालत करना चाहूं तो इस दरिंदा नुमा माशे की भेंट चढ़ना पड़ता है, पसंद की शादी करने पर तेजाब से झुलसना पड़ता है। कायदे आजम आओ जरा तुम देखो अपना पाकिस्तान। कायदे आजम को ब्लेम करेंगे हम, कायदे आजम को ब्लेम करेंगे हम इतने नाशुक्र हैं। नेक्स्ट है सिद्धार्थ मल्होत्रा। दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा का जब राजीव मसंत इंटरव्यू कर रहे थे तो साफ पता चल रहा था कि इस इंटरव्यू का मकसद सिर्फ यही है कि सिद्धार्थ को यह एहसास दिलाना कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम बस एक गुड लुकिंग इंसान हो और इसी वजह से फिल्मों में आ जाते हो, वरना तुम्हें एक्टिंग जरा नहीं आती। Last time you trained this hard in action was for Brothers. Yeah. And the less said the better about how that film fared. You know, since we are speaking about Brothers and films that don't work or didn't work, I suppose we have to bring up Baar Baar Dekho and how awful that film was. दोस्तों आज की वीडियो पर रिसर्च करने के बाद और ये वीडियो बनाने के बाद मुझे बाखूबी अंदाजा हुआ कि जब कोई इंसान कामयाब होता है और उसकी जिंदगी में पैसा दौलत शोहरत आती है तो वो सिर्फ अपने साथ खुशियां नहीं बल्कि लाखों हेटर्स, बहुत सारे दुश्मन भी लेकर आती है, और बहुत सारे ऐसे दुश्मन भी होते हैं जो आपको गिराने के लिए, आपको नाकाम करने के लिए और आपकी जिंदगी का सुख चैन बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ दूसरों की बर्बादी को देखकर खुश होना होता है। इसी बात पर मुझे पीर नसीरुद्दीन शाह साहब की एक बात याद आती है, वो कहते हैं कि दुश्मन हमेशा बड़े आदमी का होता है, जितना बड़ा आदमी होता है उतनी बड़ी मुखालफतें होती हैं। कोड़ियां दा और मजलूमां दा भी कोई दुश्मन होता है, शोधियां दा भी कोई दुश्मन होता है। वो कहते हैं कि जितने बड़े मकासद होंगे, जितने बड़े ख्वाब होंगे, उतनी बड़ी मुश्किलात होंगी, उतने बड़े मुखालफीन होंगे। तो याद रखें, जब आपने मंजिलें तय करनी है, अपने ख्वाब बड़े रखने हैं, तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको मुखालफीन का, अपने दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। और सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।